भाई राम के नाम पर शॉर्टकट मारना ओम राउत को बहुत भारी पड़ गया। एकदम फालतू पिक्चर है। और लंका तो उससे भी बकवास था, मतलब रामायण देख रहा उसका फील ही नहीं है इसमें, छपरी टाइप ही लगा। अरे पक्का हुआ है मूवी यार। फिल्म आदि पुरुष की क्रिटिक तो बैंड बजा ही रहे हैं, साधु संत भी पीछे लग गए, और अब तो अपने कैंसिल किए हुए टिकट को लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कभी देखिए क्या इतनी फजी है। रिलीज का पहला संडे है और 3 दिन में ही आदि पुरुष ने कमाई तो ठीक ठाक कर ली है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बदनामी बटोरी है। पब्लिक ऐसे पीछे लगी है, ऐसे पीछे लगी है कि अब फिल्म मेकर्स ने कुछ चीज़ों को अंडू करने का फैसला किया। खबर आ रही है कि डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स को चेंज करने का प्रॉमिस किया है। खैर अब तो बात हाथ से निकल चुकी है, लोगों ने फिल्म देख ली है, रायता फैल चुका है। आपकी रामगाथा को लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। आप सोच रहे थे कि देश इस समय राममय है, अगले साल की शुरुआत तक देश में राम मंदिर बन भी जाएगा, ऐसे में धो लेते हैं बहती गंगा में। हाँ आपको लगा कि राम के नाम पर फिल्म बनेगी तो हिंदू तो देखने जाएगा ही ना, तो हो जाएगी फिल्म हिट और हो जाएगी मोटी कमाई। वैसे भी आपको बीजेपी का सपोर्ट तो मिल ही रहा था, बीजेपी के नेता आपकी फिल्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट भी करने लगे थे, आप चले थे माहौल के हिसाब से फिल्म बनाने, लेकिन आपकी फिल्म ने तो आपका ही माहौल बिगाड़ दिया। वैसे इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने छुआ ही क्यों, ये समझ में नहीं आता है। देखिए हम मानते हैं कि मास सेंटीमेंट्स की बुनियाद पर इसके पहले भी देश में फिल्में बनी हैं और उन्होंने अच्छी कमाई भी की है। उस समय जब देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी ना, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई, हिट हो गई। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर कश्मीर फाइल्स आई, अच्छी चली। फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर केरला फाइल्स आई, लोगों ने पसंद किया। आप लोगों की टाइमिंग भी ठीक ही थी, फिल्म बनाने में करोड़ों फूंक डाले आप लोगों ने, लेकिन आप भूल गए कि रामायण बजट नहीं भावना मांगती है, रामायण भव्य होने का नहीं सहज होने का नाम। तो फिर अब आगे चलकर कहीं आपने भगवान श्री राम पर फिल्म बनाने की सोची, वैसे आप सोचेंगे नहीं ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी सोची तो इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि पौराणिक पात्रों की जो इमेज लोगों के दिमाग में बस चुकी है ना, उससे छेड़छाड़ उनको पसंद नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी क्रिएटिविटी पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। राम पर अच्छी फिल्म बनाइए, हिंदू आएंगे देखने, हिंदू क्या मुसलमान भी आएंगे, क्योंकि राम तो सबके हैं। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल की ये लाइन याद है ना आपको, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।